तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के शेड में आपको बताने वाला हूं कि जो रियल क्रिकेट 20 में यूजर्स चॉइस टूर्नामेंट ऐड हुआ है वो कब कब स्टार्ट होगा, कब नहीं होगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में ये बताने वाला हूँ कि ये यूजर चॉइस टूर्नामेंट क्या चीज़ है, इसमें क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनल कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने गेम को जो है ओपन कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए यूजर चॉइस टूर्नामेंट, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाता है यू नीड कनेक्ट टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट आप कौन चाहिए। तो चलिए मैं इंटरनेट को थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इंटरनेट को ऑन किया तो यहाँ पर इंटरनेट को मैंने ऑन रख लिया। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि करंटली नो टूर्नामेंट आर अवेलेबल। इनके कहने का मतलब है कि जो अभी करंटली कोई भी टूर्नामेंट जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा। तो अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। अभी कुछ ही टाइम पहले 15-20 मिनट पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजा था सभी जो रियल क्रिकेट 20 लवर्स को कि लेस फ्यू हावर्स टू गो, यानी कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। एट 6:30 PM ईस्ट इंडिया, यानी कि ईस्ट टूडे यूजर्स चॉइस टूर्नामेंट विल फीचर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड टिटन लीग। इनके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं अब जो कि यूजर्स चॉइस टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी इन्होंने टाइम भी कन्फर्म कर दिया कि इंडिया का टाइम होगा 6:30 PM, यानी कि आज शाम को 6:30 बजे से यूजर चॉइस टूर्नामेंट के अंदर आपको टी10 लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको देखने को मिलने वाली है बिल्कुल फ्री के अंदर। तो हैक करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर देखिए दो टूर्नामेंट अभी आपको स्टार्ट होने वाले हैं एंड अभी मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने जो है शेड्यूल बनाया है। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये देखिए यूजर चॉइस टूर्नामेंट शेड्यूल। इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने पोस्ट जारी किया था, यानी कि देख सकते हैं कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आपको टी10 लीग देखने को मिलने वाली है और 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखने को मिलेगी एंड 25 से 27 दिसंबर तक RCPL 2020 यानी कि IPL 3 देखने को मिलने वाला है एंड उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलने वाला 2019 वाला एंड फिर उसके बाद आएगा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक RCPL ऑक्शन यानी कि IPL ऑक्शन फ्री में देखने को मिलने वाला है एंड 7 जनवरी से 9 जनवरी तक आपको एशिया कप एंड 12 से 14 ट्राई सीरीज एंड 14 से 19 जनवरी तक आपको क्लासिक वर्ल्ड कप देखने को मिलने वाला है फ्री में, बिल्कुल फ्री के अंदर आपको ये जो टूर्नामेंट है बिल्कुल फ्री के फ्री अंदर देखने को मिलने वाले हैं आपको रियल क्रिकेट 20 में यूजर चॉइस टूर्नामेंट में। एंड अभी आपको टाइम भी बता दिया गया कि आज 6:30 बजे से यूजर चॉइस टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। टी10 लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपको फ्री में देखने को मिलने वाली है एंड वहां पर आप यूजर चॉइस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना है। इंटरनेट ऑन रख के आपको गेम को ओपन कर लेना और उसके बाद यूजर चॉइस टूर्नामेंट को पूरे 6:30 पर आपको जैसे ही शाम के 6:30 होंगे तो आपका जो यूजर चॉइस टूर्नामेंट पे के ऊपर क्लिक कर देना एंड आपका यूजर चॉइस टूर्नामेंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप टिटन खेलना चाहे आप खेलना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यही थी आज की वीडियो में यही बता रहा था कि यूजर चॉइस टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।